बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम चौधरी पसलाई हूँ आप साथ में और फ्लैट्स के मतलब की बात कर लेते हैं कि क्या भाई डेट फ्लैट का इंतजार कर रहे हैं। जो सऊदी अरब की डेट फ्लैट अभी तक बंद जा रही है मेरे भाइयों के लिए जो एक से एक डोज यहाँ पर या पाकिस्तान में या दोनों डोज पाकिस्तान में लगवा कर बैठे इंतजार कर रहे हैं। सर्टिफिकेट भी मौजूद है, तवक्कल में इम्यून भी किया हुआ है, हर चीज़ के लिए है, लेकिन फ्लैट्स का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या फ्लैट्स का इंतजार करें, आखिरी मंच चल रहा है जी, नवंबर तक ही तो सी दी गई है शाह सलमान की तरफ से, या भाई दुबई के रास्ते या किसी भी और कंट्री के रास्ते भाई सऊदी अरब में आ जाएं। बहुत से भाई मुझे इसके मतलब अभी भी कमेंट कर रखे हैं, मैं आपको इस वीडियो में एक दो बातें आप सबके लिए कर दूंगी इंशाल्लाह ताला। आप भाइयों के लिए अच्छी बात यार, आपको इस चीज़ से रहनुमाई ही मिलेगी इंशाल्लाह। भाई एक भाई मेरा दोस्त है जी, वो दुबई अभी पहुंच चुका है, आज से एक माह पहले मुझे कमेंट कर रहा था। तो उस टाइम मैंने मेरे से बातचीत की थी, मैं उसको बोल रहा था मैंने वीज़ा सऊदीया का दुबई का ले लिया है। तो मैंने उसको बोला अभी ठीक है आ जाओ, वो मेरे साथ कांटेक्ट में था, अभी दुबई में है। तो उसने मुझको एक बात बताई थी कि मैं दुबई में भाई ये एयरपोर्ट के ऊपर उतरा हूँ ना, तो वहाँ पर कोई भी किसी किस्म की करेंसी शो करवानी पड़ती है, यानी कि $500 $1000 $1500 या दरम की मकदार इतनी होनी चाहिए, ऐसा वो बोलता कुछ भी नहीं है, ना ही कुछ चेक किया जाता है, ठीक है। उसके बाद होटलिंग वगैरह के मुतल्लिक भी नहीं पूछा जाता है कि आप किस होटल में ठहर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, ऐसा कुछ भी पूछा नहीं जाता, ना करेंसी के मुतल्लिक ना होटलिंग के मुतल्लिक। वो बोलता है कि मेरे कुछ कज़न है जी, मैं उनके पास जा रखा हूँ, वहाँ पर रुकूंगा 14 दिन या 15 दिन, उसके बाद ही सऊदी अरबिया का सफ़र करूँगा। और आपको पता है जी सऊदी अरबिया का तो वैलिड वीज़ा उसके पास पहले से ही है, यानी कि सऊदी अरबिया का वीज़ा तो उसका लगा हुआ है, वो तो कोई मुश्किल नहीं है। तो वो तो आपको इसके मुतल्लिक इल्म होगा। बहरहाल बात करेंगे डायरेक्ट फ्लाइट्स या वाई के थ्रू। भाई नवंबर चल रखा है, मुझको भी पता है आखिरी माह चल रखा है, इस माह की 30 तारीख तक आपके इकाम में आपकी छुट्टी बढ़ी हुई है। बहुत से भाइयों की अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चुकी है और कुछ की बढ़ रही है और इंशाल्लाह ताला बढ़ जाएगी, भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नवंबर की अगर बात करें तो आपको पता ही बिलाल अकबर साहब की तरफ से भी नवंबर में ही कहा गया था कि फ्लैट्स इंशाल्लाह बहाल हो जाएंगी और मुझको पूरी उम्मीद है खुद से भी, जैसा कि वैक्सीन सेंटर अभी मुख्तलिफ शहरों में कायम कर दिए गए हैं और सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एक ट्वीट भी आ चुकी है कि आपका PCR टेस्ट किसी भी एयरलाइन में आप सफर करते हैं सऊदी अरब के लिए तो आपका 72 घंटे पहले आपके 72 घंटे से पहले की आपके पास रिपोर्ट होनी चाहिए सफर करने के लिए, ठीक है जी। इंटरनेशनल फ्लैट्स के मुतल्लिक भाई काफ़ी मुस्बत इशारे आ चुके हैं और अगर कोई बंदा आपके आपको इसके मुतल्लिक कोई डेट वगैरह दे रहा है अभी से, कोई भी बंदा है वो आप सब झूठ बोल रहा है, ये कन्फर्म बात है। डेट वगैरह के मुतल्लिक कोई इल्म नहीं है, लेकिन जो इशारे आ रखे हैं इनको देखते हुए भाई नवंबर में लग रहा है कि इंटरनेशनल फ्लैट्स बहाल हो जाएंगी। हाँ अभी आप वाई के थ्रू आना चाहते हैं तो आपने अगर वीज़ा वगैरह ले लिया है, पैसे खर्च कर लिए हैं, तो फिर तो आप आ जाए, मुश्किल नहीं है। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो भाई चंद दिन इंतजार करें, फ्लैट्स का इंतजार करें। आपने अगर 7-8 माह 9 माह इंतजार किया है तो चंद दिन और इंतजार करें। अगर नवंबर में बहाल नहीं होती है तो भाई आपके इकाम में आपकी छुट्टी मजीद बढ़ा दी जाएगी। पिछले 6-7 माह 8 माह से अगर बढ़ाई जा रही है शाह सलमान के हुक्म के मुताबिक तो एक दो और माह और बढ़ा दी जाएगी, इसमें क्या मुश्किल होगी। फ्लैट्स का इंतजार करें, बेस्ट यही है अभी के मामला को देखते हुए। अगर आपने पैसे खर्च कर लिए हैं तो फिर वाई के थ्रू आप आ जाए।